हाय नमस्कार आप सभी को, प्रणाम आपको हमारा, हॉट एंड स्वीट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पेन डाउन में, और आज ये है माही अम्बश हमारे साथ, और आप हैं डॉक्टर वैशाली जौहरी। आज हम यहाँ आए हैं होली के रंगों के साथ कुछ गपशप लगाने, कुछ बातें रंग भरी होली की, और जीवन में रंगों का क्या महत्व है इससे सराबोर आज कर देंगे हम आपको। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस गपशप में। बिल्कुल। अरे वैशाली जौहरी जी, देखा आपने, अभी तो होली आई भी नहीं और मौसम में फगुनाहट की मादकता छाने लगी है। बिल्कुल सही कहा माही तुमने। आम की जो मंजरियों के बीच कोयल की कुहू कुहू की जो आवाज होती है भाई, उसके तो कहने ही क्या। कुहू कुहू बोले कोयलिया, हाय क्या गीत था ना वो। बिल्कुल, अब देखा ना तुम्हारी जुबान पे हमारे जमाने का गीत आ गया। भाई हमारे जमाने के गीतों की तो बात ही कुछ और होती थी। अरे मैम बस कीजिए, आप तो हमारी जनरेशन को सुनाने ही लगी हैं। हाँ हाँ, तो सुनाने ही तो आई हो, कुछ अब की और कुछ तब की। तो होली का पर्व कितना खूबसूरत पर्व है ना, और इसकी शुरुआत भी तो बसंत पंचमी के बाद हो जाती है। माँ सरस्वती की पूजा के दिन से ही उड़ने लगता है गुलाल, और सरसों के खेत में पीली पीली फूलों की वो छटा कितनी मनोरम लगती है ना। वाह, तुमने तो मुझे प्रकृति के बीच ही पहुंचा दिया माही, और वो गेहूं की इठलाती बालियां कितना भाती हैं मन को, है ना। सरसों के फूल, गेहूं की बालियां, मनुष्य क्या पशु पक्षी भी इस मनोरम वातावरण में बिल्कुल अपने आप को खो जाते हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी ढोलक ताप और मंजीरों की धुन पे एकदम थिरक उठते हैं, नाच उठते हैं इस होली के त्योहार में। सारी रूढ़ियां, सारी परंपराओं को तोड़ देते हैं और खुशियां मनाने में लग जाते हैं। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैशाली जी, मैंने सुना है कि होली की शुरुआत झंडा या डंडा गाड़ने से होती है। हाँ, इन दिनों होता ये है कि हर गली मोहल्ले में बसंत के दिन से ही एक डंडा गाड़ के होली की शुरुआत कर दी जाती है, और इस दिन से पता है पूरी प्रकृति का वातावरण एकदम बदल जाता है। मुझे तो ये चीज पता ही नहीं थी, मुझे आज पहली बार पता चला है कि होली की शुरुआत झंडा या डंडा गाड़ने से होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और अच्छा हुआ तुमको पता चली ये बात। और ये झंडा और डंडा गाड़ा कहाँ जाता है? ये झंडा डंडा कहीं भी गली है, मोहल्ला है, या फिर किसी एक सार्वजनिक स्थान या मैदान में हम लोग होलिका का डंडा गाड़ देते हैं, और फिर उसमें धीरे धीरे और लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसको बड़ा सा होलिका का रूप दिया जाता है। और त्योहार की शुरुआत तो होलिका दहन से ही होती है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा होता है इन दिनों। कितना मनोहर दृश्य होता है ना जब होलिका में उपले और अलसी की बालियां डाली जाती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, और पता है इस दिन जो है ना घर में हम लोग जो पकवान बनाते हैं, जैसा कि अभी हमने तुमको बताया कि उन पकवानों को भी हम लोग होलिका में डाल के तब उसकी पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, और आज के दिन जो फगुआ गाते हुए होलियारों की जो टोली है ना, वो पूरे माहौल को एक अलग ही खुशनुमा रंग दे देती है। वो तो हमने भी देखा है, ये होलियारों की टोली पूरी रात गाना गाते बजाते मतलब एक अलग ही माहौल बना देती है। बहुत अच्छा लगता है, ये त्योहार ही ऐसा होता है, इसीलिए इसको रंगों का त्योहार होली कहा गया है। हाँ हाँ, संगीत और राग यही तो होली के प्रमुख अंग होते हैं। मेरे हिसाब से तो होलिका दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये त्योहार क्या, हमारी संस्कृति और परंपरा का कोई भी त्योहार देखो, वो बुराई पे अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। और अभी इस होली के समय पे तो होलियारे जो पूरी रात गाना गाते बजाते एक माहौल बनाते हैं, वो कितना खुशनुमा होता है, एकदम अलग सा ही वातावरण बन जाता है। संगीत यानी कि राग और रंग यही तो होली के प्रमुख अंग होते हैं। कितने दिल को छू लेने वाली बात कही माही, संगीत और रंग। और पता है इस मौसम में ये जो प्रकृति भी है ना, पूरे अपने रंग बिरंगे यौवन के साथ मदमस्त नजर आती है। मदमस्त होने से मुझे तो एक गाना याद आ गया कि होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा,
अब देखो फिर मुझे कहना ही पड़ेगा कि ये भी गीत भाई हमारे दौर का अपना एक समय का गीत है, और आज भी कोई होली ऐसी नहीं होती है कि ये गीत ना बजता। ये तो मानती हो ना? ये तो मैं बिल्कुल मानती हूं। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसी कोई होली नहीं जाती जिस होली पे ये गीत ना बजता। और अवध ही नहीं बल्कि ब्रज है, बुंदेलखंड है, पूरे पूर्वांचल में होली की एक अनुपम छटा ही देखने को मिलती है। ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने। अरे वैशाली जी, आपको पता है मैं तो बस होली का इंतजार ही करती रहती हूँ। भाई क्यों? अरे क्यों नहीं, गुजिया और मालपुआ जो खाने को मिलते हैं। हाँ भाई, उसकी तो बात ही कुछ और है। और अगर यही गुजिया और मालपुआ हम होली के बाद किसी और समय बनाए तो वो स्वाद नहीं आता। हाँ, ये बात तो हमने देखा है कि जो पकवान जिस पर्व और जिस मौसम के लिए बनाए जाते हैं ना, उनका स्वाद उसी समय अच्छा होता है। और जब मालपुआ गुजिया की बात हो रही है तो भाई चिप्स और कुरकुरापन और पापड़ को हम भला कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। और जब गुजिया मालपुआ चिप्स पापड़ की बात हो ही रही है तो हम कांजी के बड़े के साथ क्यों ना इंसाफी करें, आखिर इस दिन कांजी के बड़े खाने का भी तो रिवाज होता है। बहुत सही बताया तुमने। और ये कांजी के बड़े ना एक बार खा लो तो बस लगता है बस खाते ही जाओ। और देखो हमारे जो भी पुरखे हैं या हमारी जो संस्कृति सभ्यता में ये सब चीज़ें बनाई गई, त्यौहार बनाए गए, उसके साथ जुड़े जो भी पकवान हैं उन सब का कहीं ना कहीं एक महत्व है। अब जैसे कि ये कांजी के वड़े हैं तो ये हमारे स्वाद को ही नहीं बढ़ाते हैं बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हमारे हाजमे को ठीक करते हैं। हाँ हाँ, मतलब अब जैसे होली के दिन हम लोग इतनी सारी चीज़ें सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं। बिल्कुल, इतनी तली भुनी चीज़ें होती हैं, इतनी मसाले वाली चीज़ें होती हैं, और उसके बाद ये कांजी के बड़े खाने का रिवाज। ये कांजी के बड़े हमारे डाइजेशन में ही तो हेल्प करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, और कितनी अच्छी बात है। अच्छा माही, ये आम की मंजरी के साथ चंदन का बुरादा खाने का रिवाज भी तो है, पता है तुम्हें? हाँ बिल्कुल मुझे पता है। और मेरे हिसाब से तो होली एक ऐसा पर्व है ना जो पूरी दुनिया के देशों में जहाँ जहाँ भी हिंदू रहते हैं वहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। हमारे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि हमारे भारतीय विदेशों में रहते हैं वहाँ पे भी बहुत धूमधाम से वो ये त्यौहार मनाते हैं। और खाली भारतवासी नहीं बल्कि हमारे देश में ही विभिन्न जाति धर्म के लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। विदेशों में भी कई देश ऐसे हैं जहाँ पे होली का त्यौहार मनाया जाता है। और पड़ोसी देश नेपाल की ही अगर हम बात कर लें तो वहाँ एक अलग तरह से होली मनाई जाती है, सूखी होली खेली जाती है। मैंने सुना है कि वहाँ पे सूखी होली ज्यादातर, मतलब जैसे रंग और अबीर, गुलाल अबीर, इन सब चीजों से होली खेली जाती बिल्कुल है। बिल्कुल बहुत सही सुना है तुमने। और पड़ोसी देश नेपाल की ही तरह जो हमारा उत्तराखंड है वहाँ पर भी सूखी होली खेली जाती है, बहुत ही सुंदर होली होती है वहाँ पे। तो बसंत पंचमी के बाद से ही ये होलिका का डंडा गाड़ दिया जाता है। बिल्कुल, और वहाँ का तुम कभी ये लोक संगीत सुन लो ना पहाड़ी क्षेत्रों का, दिल को तो भा जाएगा, पूछो मत, फिर तुम और सब कुछ भूल जाओगी, लगेगा बस यहीं बस जाओ और यहीं के संगीत में अपना दिल रमा दो। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। अरे वैशाली जी, आपने मालपुए की बात कर ली, गुजिया की बात कर ली, चिप्स पापड़ तक की बात कर ली, अब अगर ऐसे में ठंडाई की बात ना हो तब तो होली का मजा ही किरकिरा है। वाह, तुमने तो ऐसा स्वाद मेरे मुंह में ला दिया कि जिसकी मैं लाजवाब हूँ। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा ठंडाई, अब मुझे बस मन कर रहा है कि मैं यहाँ से उठूँ और जाऊँ और ठंडाई पी लूँ, क्योंकि मौसम भी गर्मी वाला आ ही चुका है ना, और बहुत ही लाजवाब होती है भाई ठंडाई। कहीं केवड़े तो कहीं गुलाब जल में मिलाकर पीने का रिवाज है इसका। हाँ हाँ, केवड़े और गुलाब जल तो है ही है। और पता है इसको बनारस में दूध के साथ भांग को घोट कर ठंडई बनाने का चलन है, इसे इस तरह से बनाया जाता है, दूध में भांग घोट के ठंडई बनाई जाती है और फिर इसको पिया जाता है। अरे मैंने तो सुना है कई जगह मिठाइयों और पकवानों में भी मिला दी जाती है। हाँ, तो पेड़े जो होते हैं भांग के पेड़े मिलते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये पेड़े। क्या बात कर रही हैं आप, भांग वाले पेड़े या मिठाई खाकर क्या हाल होता होगा किसी का? अरे कोई हाल बुरा नहीं होता है, पता है ये उतने ही सीमित मात्रा में मिलाए जाते हैं कि इनसे किसी को भी किसी प्रकार का नशा ना हो। और किसी हद तक जब ये सीमित मात्रा में मिलाए जाते हैं, हम ठंडई में इसको इस्तेमाल करें या फिर मिठाई में डाल के इसको इस्तेमाल करें, तो ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदा ही पहुँचाते हैं, नुकसान नहीं पहुँचाते हैं।
कितना खूबसूरत पर्व है ना ये होली। एक तरफ जहाँ ये मौज मस्ती रंग उल्लास लेकर आता है, वहीं हमारे खान पान में भी हमारी सेहत में भी कई ऐसी नई चीजें ऐड कर देता है जो हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है। बिल्कुल, बहुत सही कहा तुमने। मेरे हिसाब से तो ये एक लोक पर्व है। बिल्कुल लोक पर्व है और हमारी संस्कृति परंपरा का ऐसा अनूठा ये पर्व है कि जो इसमें एक रौनक दिखाई देती है शायद ही किसी और पर्व में दिखाई देती हो। मेरे हिसाब से तो होली सिर्फ रंगों का ही त्योहार नहीं है बल्कि इसके तो अनेक रूप हैं। ये एक लोक पर्व है। बिल्कुल सही कहा माही तुमने, लोक पर्व ही है। इतना सुंदर ये त्योहार है ना कि किसी भी त्योहार के मुकाबले थोड़ा हटकर है। रंगों का रंग बिरंगा अनूठा ही त्योहार है होली। होली का तो मतलब ही है मौज मस्ती रंगों से परिपूर्ण, बस इंसान खो जाए इस माहौल। बिल्कुल, और पता है माही मुझे तो लगता है कि जिंदगी जब सारे रंगों को समेट कर कुछ जाहिर करना चाहती है ना तो फिर उसे होली जैसे त्योहार का नाम देती है। बिल्कुल, होली प्राकृतिक ही नहीं आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि मेल मिलाप का भी तो अवसर होता है। हाँ, सारे भेदभाव भुला कर आपस में मिलने जुलने का त्योहार है होली। इसीलिए तो गीत बने हैं, आप ही के जमाने के हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली